हे एवरीवन, इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो एक चैनल है साइंटिफिक हिंदू, वहाँ से एक वीडियो हमें भेजा गया एक सब्सक्राइबर की तरफ से शायद। तो उसका टाइटल है ना आपके, राम मंदिर को देखकर हिले काबा और वेटिकन, यानी काइंड ऑफ काबा यानी मुसलमान और वेटिकन यानी क्रिश्चियंस, के राम मंदिर जो उसकी कंस्ट्रक्शन है शायद उसको देख के ये लोग सकते में हिल गए हैं। मतलब कंस्ट्रक्शन को देख के ही कह रहे होंगे। शुरू करते हैं 3, 2, 1 एंड गो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेंद्र। दोस्तों, आजकल राम मंदिर एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी सामने आई है जिनकी वजह से राम मंदिर एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। काबा में भी हलचल मच गई है। जी हाँ दोस्तों, तथा कथित मुस्लिम कट्टरपंथी यह मानते हैं कि उनके जैसा तीर्थ स्थल दुनिया में कोई ना हो, लेकिन अब राम मंदिर में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे जानकर वे बिलबिला गए हैं, और यहाँ तक कि इसकी गूंज वेटिकन सिटी में भी देखने को मिल रही है। दोस्तों, अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को लेकर देश में पहले से ही हर्ष व उत्साह का माहौल है, क्योंकि 2023 के अंत तक मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो जाएगा और 2024 की शुरुआत में यह भक्तों के दर्शनार्थ हेतु खोल दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मंदिर का 50% निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, परंतु यह सब तो आप जानते ही होंगे। तो चलिए अब हम क्रमवार आपको वह बताने जा रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे, और यह हम जानेंगे 3 तथ्यों में। तो आते हैं नंबर 1 पर, जो कि है विश्व का सबसे बड़ा धर्म स्थल। ऐतिहासिक रूप से बनने वाले राम मंदिर के निर्माण में अत्याधुनिक तकनीक का बहुत सूझबूझ के साथ प्रयोग किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नागर शैली में बन रहा यह भव्य राम मंदिर विश्व का सबसे बड़ा धर्म स्थल होगा। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या का राम मंदिर परिसर तीर्थ इतना बड़ा होगा कि मुसलमानों का सबसे बड़ा तीर्थ काबा तथा ईसाइयों का सबसे बड़ा तीर्थ वेटिकन सिटी भी इसके आगे छोटे पड़ जाएंगे। गूगल से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुसलमानों के तीर्थ काबा का क्षेत्रफल 88.2 एकड़ है, और ईसाइयों के सबसे बड़े तीर्थ वेटिकन सिटी का क्षेत्रफल 108.7 एकड़ है। दोस्तों, आपको बता दें कि राम मंदिर ट्रस्ट के पास पहले 70 एकड़ जमीन थी, जिसे भव्य राम मंदिर के साथ साथ महर्षि वाल्मीकि, शबरी, जटायु, सीता जी, गणेश जी और लक्ष्मण जी के मंदिर बनाए जाने के लिए चिन्हित किया गया था। परंतु अब जानकारी मिल रही है कि केंद्र सरकार और राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि राम मंदिर तीर्थ का विस्तार काबा और वेटिकन सिटी से भी ज्यादा क्षेत्रफल में किया जाएगा। इसके लिए 111 एकड़ भूमि चिन्हित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। दरअसल राम मंदिर ट्रस्ट चाहता है कि अयोध्या का राम मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा धर्म स्थल और सनातन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र बने, क्योंकि सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है और भगवान राम का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। आते नंबर 2 पे, जो कि है इतिहास संरक्षित करने के लिए बनाई जाएगी फिल्म। श्री राम मंदिर निर्माण समिति का कहना है कि हिंदुओं के प्राचीन इतिहास का एक बड़ा हिस्सा मुगलों व अंग्रेजों द्वारा समाप्त कर दिया गया। रही सही कसर विदेशी व वामपंथी इतिहासकारों ने पूरी की। यही कारण रहा कि कोर्ट में हमें राम मंदिर साबित करने में वर्षों लग गए। इतिहास पर्याप्त न होने के कारण हमें पुरातत्वविदों की मदद लेनी पड़ी, परंतु अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए हम श्री राम मंदिर का इतिहास संरक्षित करने जा रहे हैं। गौरतलब है कि मंदिर समिति श्री राम मंदिर के इतिहास पर एक फिल्म बनाने जा रही है, जिसमें 500 साल के इतिहास को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी प्रसिद्ध लेखक और फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी जी को दी गई है। साथ ही मंदिर समिति ने महानायक अमिताभ बच्चन से इस फिल्म में आवाज देने का अनुरोध किया है। उनकी आवाज का इस्तेमाल एक सूत्रधार के तौर पर किया जाएगा। फिल्म का निर्देशन प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी करेंगे। दोस्तों, हाल ही में राम जन्मभूमि परिसर में हुई 2 दिवसीय बैठक में फिल्म बनाने की योजना को अंतिम रूप दिया गया, और जल्द ही इस पर कार्य शुरू होने वाला है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का कहना है कि इस फिल्म के जरिए मंदिर निर्माण के इतिहास को युवा पीढ़ी तक पहुंचाया जाएगा।
आते हैं नंबर तीन पर, जो कि है मंदिर की अद्भुत संरचना। दोस्तों, श्री राम मंदिर अगले साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा और इसमें आने जाने के लिए शानदार दो रास्ते होंगे। बाहर जाने का रास्ता सुरंग से होकर गुजरेगा, कहने का अर्थ है कि आने जाने का रास्ता दो मंजिल होगा, यानी मंदिर आने वाले श्रद्धालु सीधे मंदिर की पहली मंजिल पर पहुंचेंगे और सिंह द्वार से होते हुए भगवान राम के दर्शन करने के बाद भोग मंडप और फिर गर्भगृह से होते हुए भूतल के रास्ते से बाहर निकल जाएंगे। लौटने का यह मार्ग उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में खुलेगा। भारतीय वास्तुशास्त्र के मुताबिक ईशान कोण में देवी देवताओं का निवास होता है और राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक मंदिर निर्माण में 1800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस मंदिर में हर एक देवता की मूर्ति को उचित स्थान और जगह दी जाएगी। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक मंदिर के गर्भगृह के 7 गुण मंडप व नृत्य मंडप व सिंह द्वार के रूप में अलग अलग भाग भी हैं, जिनकी पूरी लंबाई 380 फीट है और सभी का निर्माण एक साथ किया जा रहा है। यह मंदिर इतना भव्य होगा कि मंदिर में 2 मंजिला परिक्रमा मार्ग का भी निर्माण किया जा रहा है, ताकि एक साथ अधिक से अधिक श्रद्धालु परिक्रमा कर सके। दोस्तों, श्री राम मंदिर ऐतिहासिक तो है ही, साथ ही अब यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल बनने जा रहा है, जिसके आगे काबा और वेटिकन सिटी भी बौने पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ओके कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन एक चीज मैं कह दूं कि सर, आप एक्सपेंशन कर रहे हैं 111 acres, वेटिकन है शायद 108, और मस्जिद अल हराम की बात हो रही थी तो वो है अराउंड 88। तो हमें कभी भी इस चीज़ का मुझे तो नहीं लगता कि गरूर रहा कि सबसे बड़ा, ऑब्वियसली हम सबसे बड़े इस्लाम में सबसे बड़ी मस्जिद तो है ये, मतलब एरिया के लिहाज से भी और इम्पोर्टेंस के लिहाज से भी, लेकिन सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड का रिलीजियस पॉइंट कहें हम इन टर्म ऑफ एरिया, वो शायद पहले भी नहीं था। हम तो पहले भी दूसरे नंबर पे थे, अब तीसरे पे हो जाएंगे, तो ऐसे कोई इशू है नहीं। अच्छा, सेकंड पॉइंट था जनाब, वो था फिल्म का। तो मेरे ख्याल में वेटिकन भी काफ़ी फिल्में बना चुके हैं, इस्लाम पे भी काफ़ी फिल्में बन चुकी हैं, कुछ इस्लाम वालों ने खुद बनाई हैं हिस्ट्री से रिलेटेड एंड एवरीथिंग एल्स, तो वो भी एज सच सरप्राइजिंग नहीं था। और तीसरा था कंस्ट्रक्शन का जो पॉइंट होता है कि मतलब एक साइड से एंट्री और दूसरी साइड से एग्ज़िट, तो ये हमने काफ़ी जो हैं क्या कहते हैं मंदिर ख़ास तौर पे हमने एक वीलॉग पे रिएक्ट किया था, उसमें देखा था हमने कि वो मंदिर में एंट्री पॉइंट एक था या मंडप कह लें या पंडाल जहाँ पे रखा जाता है, और एग्ज़िट पॉइंट दूसरा होता है। तो हमेशा जितनी भी बड़े बड़े जगहें होती हैं वहाँ यही एक टेक्निक यूज़ की जाती है कि क्राउड कंट्रोल करने, मैनेज करने, और अगर जहाँ से जा रहे हैं वहीं से वापसी होगी तो बड़े मसले हो सकते हैं। आपको याद होगा कि हज पे 2-3 साल पहले आपको पता है कि मुज़दलिफा पे एक मकाम आता है, एक पॉइंट होता है, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जाने के और होते हैं आने के और होते हैं, सालों में पहली बार वापस भी लोग उसी जगह से आना शुरू हो गए, भगदड़ मच गई और सैकड़ों लोग मारे गए थे। तो ये एक अच्छी टेक्निक है कि जहाँ से लोग जा रहे हैं एग्ज़िट दूसरी साइड से हो, और उसमें डेफिनेटली उन्होंने अपनी जो रिलीजियस वो कहते हैं ना क्या था कोई हिसाब किताब है, उसके थ्रू जो है वो किया है। सबको अपने उससे अकीदत होती है, तो अच्छी बात है। चलो, एक एटलीस्ट वो कन्फ्यूजन तो दूर हुई बापरी वाली, और कोर्ट में केस, और फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने प्रूफ किया कि पहले मंदिर था, मंदिर बन रहा है, तो हम खुश हैं कि आप केस जीते, आप जो है वो आगे बढ़े। और जो लोग अभी भी बाबरी का मुद्दा लेके बैठे हैं उन्हें भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। इट वाज नॉट अ होली मॉस्क जिस पे आप इतना वो कर रहे हैं। आपका सिर्फ यही क्लेम था कि जनाब वो 300 साल पुरानी या 400 साल पुरानी एक हिस्टोरिक प्लेस थी, तो सर उस हिस्टोरिक प्लेस को बनाया गया था 1000 साल पहले या 500 साल पहले या 5000 साल पहले मौजूद एक जगह को तोड़ के, तो वो भी एक किसी के लिए हिस्टोरिक प्लेस है, तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए मेरे ख्याल में। तो सबको आगे बढ़ना चाहिए, ज़िंदगी किसी का नाम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
और कोई हमसे कोई गड़बड़ हुई हो तो हम माजरत चाहते हैं। आपको पता है जितनी भी रिलीजियस वीडियोस होती हैं उस पर हमारी पूरी कोशिश होती है कि मुस्लिम्स से लेकर ईसाई, ईसाई से लेकर ज्यूस, ज्यूस से लेकर सिख, सिख से लेकर सनातन, सारे मतलब वर्ल्ड वाइड जितने भी जो भी जिस मज़हब को मानने वाले हैं, हम सबको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और किसी को भी अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।